गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक और नए दिन की शुरुआत। आप ही महाराज को इस बार टाइम से छोड़ कर आया हूँ बस स्टैंड पे। कोई भागम भाग नहीं, आराम से जाके बस स्टैंड पे खड़े हुए, सबसे गुड मॉर्निंग, सबसे बात हुई, उसके बाद आराम से बस में बैठ के गए। आज मौसम बहुत अच्छा है भाई, ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली बहुत तेज़, लेकिन हो नहीं रही है। उससे पहले कि बारिश हो जाए और हम ऑफिस पहुँच जाएँ, फिर बारिश होनी चाहिए ताकि ट्रैफिक ना मिले, ठीक है। बस योगा वाले आज भी नहीं आए, तो दो चार लोग बैठ के आराम से खुद ही कर रहे हैं, टीचर ट्रैवल कर रहे हैं फिलहाल। चलो हम करते हैं थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ी वॉक, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो भाई साहब, डेली पार्क में कोई ना कोई अंकल जी मिल रहे हैं। आज वाले अंकल जी सबको एक्सरसाइज करा रहे थे। कभी कभी लगता है हम भी 60 के हो जाएंगे तो हम भी सबको एक्सरसाइज कराएंगे क्या। कल आंटी आई थी, वो भी कुछ बोल रही थी। आज अंकल आए 60+, वो भी कह रहे बेटा ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। ऐसा होता है क्या? चलो बड़े अंकल जी, हमने बात सुन ली, जैसे जैसे कहा करा हमने, ज़रूरी भी है। चलते हैं खाते पीते हैं और फिर ऑफिस के लिए निकलते हैं। मौसम अभी भी घना हो रखा है, बारिश कभी भी हो सकती है। देखो बारिश हो रही है, क्या हाल है? सुबह सुबह दुकान खोल लेता सुशील बाबू। तो भाई साहब, एक बार फिर और आ गया हूँ मैं वीडियो को लेकर, और बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि मैं वीडियोस क्यों बना रहा हूँ जब कोई देखता ही नहीं है, जब कोई कमेंट ही नहीं करता है। तो कहाँ से आती है इतनी एनर्जी कि वीडियो पे वीडियो बनाए जा रहा हूँ, डेली बेसिस पे डेली व्लॉग्स निकाले जा रहा हूँ। बहुत हैरान हो रहे हैं लोग, बहुत परेशान भी हो रहे हैं लोग। ना कोई पैसे की इनकम हो रही है, ना कोई आप अर्निंग कर रहे हो, ना मोटिवेशन के लिए लोग आपको लाइक कर रहे हैं, ना वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं, ना ज़्यादा आपको देख रहे हैं। आपको सब पता है, लेकिन फिर भी आप वीडियो पे वीडियो बनाए जा रहे हो, क्या बात है। अभी भी बनाता रहूँगा, डोंट वरी। कब तक बनाऊँगा वो मैं अपनी पहले वीडियोज़ में बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊँगा कि ये कब तक बनाऊँगा मैं, लेकिन एक लिमिट तो है कि ये ब्लॉग कब तक आएंगे, वो आपको आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, वीडियो बनेगी, हो सकता है डेली व्लॉग्स ना आए, तो वो सब भी बताऊंगा। फिलहाल मैं जा रहा हूँ ऑफिस, और ऑफिस जाते हुए मैंने सोचा कि यार ये बड़ी आजकल समस्या होगी कि ये समझ में नहीं आता कि आप बच्चों को किस उम्र में इंडिपेंडेंट बना के मोबाइल फ़ोन दें, किस उम्र में उनको बाहर निकलने के लिए भेजें, ऐसी कौन सी एज है। ऐसा कभी ना कभी तो उन्हें जाना ही पड़ेगा ना, कॉन्फिडेंट होना ही पड़ेगा। तो ये सवाल कभी कभी चलता रहता है मन में। तो मैं सोचता हूँ कि बच्चों को जितना देर से मोबाइल फ़ोन दो उतना बढ़िया है, क्योंकि अगर पापा मम्मी का फ़ोन है तो वो उनका फ़ोन यूज़ कर सकते हैं अपने फ्रेंड से चैट करने के लिए, या किसी से होमवर्क लेने के लिए, जो भी करना है मतलब। तो आई थिंक अभी तो यही स्ट्रेटजी है। आने वाले टाइम में ये तो डेफिनेटली है कि उनको फ़ोन देना ही देना है, भले ये ट्रेडिशनल या ओल्ड स्कूल थिंकिंग हो, लेकिन जब तक पॉसिबल है कर लो, उसके बाद तो वो अपने ही करने वाले हैं ना बॉस। तो ये भी एक एंजॉयमेंट होता है कि एक उम्र तक बच्चों के साथ किस तरीके का एंजॉयमेंट कर सकते हो आप, क्योंकि एक टाइम है अभी वो आपकी सुन रहे हैं, बाद में फिर वो जब इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, और हर कोई चाहता है, हर माँ बाप चाहता है कि बच्चा इंडिपेंडेंट बन जाए, जब वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा फिर वो आपको बताएगा कि मैं अब ये कर रहा हूँ, अब मैं वो कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ जा रहा हूँ, अब मैं वहाँ जा रहा हूँ, राइट। तो फिलहाल इतना ही है। और बाहर जाने वाली बात पे तो मैं सोचता हूँ कि यार बाहर अकेले छोड़ना ही क्यों है, अगर जाना है तो दोस्तों के साथ जाओ या रिलेटिव के साथ जाओ, किसी के साथ निकलो। अकेले जाने का कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा और ग्रेजुअली हो जाएगा, इसके बारे में कुछ प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है, अपने आप धीरे धीरे हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने बोला अपने आप हो जाएगा धीरे धीरे, तो जैसे बारिश भी आज अपने आप हो रही है बहुत धीरे धीरे, तो चलते हैं सुनते हैं आज कुछ ज्ञान। अभी तक मैंने कुछ प्ले ही नहीं किया है, देखता हूँ क्या सुनेंगे आज, मिलते हैं थोड़ी देर में। देखो बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग, कितना ट्रैफिक हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, भर गया है, ये देखो। 2000 years later.
संगी पनीर की सब्जी बहुत अच्छी लग रही है यार, क्या है ये? लेकिन इस रेसिपी का नाम भी है कोई? बहुत ही जबरदस्त भाई, ये सिर्फ खाऊंगा मैं और पीऊंगा चाय, क्योंकि आजकल रात को बहुत खाने लग गया हूँ। कल मैंने देखा इतना सारा खा लिया, कभी कुछ खा रहे हैं कभी कुछ खा रहे हैं। क्या पनीर? इसका स्वाद ना शाही पनीर और बटर मसाला टाइप है कुछ, है ना? हाँ, उसी टाइप का है, जैसे ही मिक्स है।